नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सुंदर सबरंग कार्यक्रम में, जो जीवन में नया उमंग भरता है आपके और दिवस की एक सुंदर शुरुआत कराता है। मित्रों, लक्ष्य हमारा यही है कि जीवन आपका सुंदरता से, खुशहाली से और आनंद से परिपूर्ण हो। और ये तभी होता है जब हमारे मन में बहुत सुंदर सुंदर से विचार हों और यही विचार सुंदर कर्मों में परिणत होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कि जब हम फल की कामना से कुछ कर्म करने की चाहना रखने लगते हैं, तब फिर बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसीलिए तो हम सुंदर सुवाक्य आपके लिए लेकर आते हैं शुरुआत में, ताकि मन सुंदर भावों से, विचारों से भरा हुआ हो तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और फल की चाहना से भी हम मुक्त होते चलते हैं। ऐसा ही सुंदर सुवाक्य आज भी हम लेकर आए हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। संत कबीर दास जी। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ ही स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। परमात्मा शिव ने भी कहा है कि बोल ऐसे हों जो लगे कि मोतियों की वर्षा हो रही है। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। मित्रों, कहते हैं कि नींद भी क्या गजब की चीज है। आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। और जो ये यादें आती हैं, पुरानी या कड़वी, वो तो और भी ज़्यादा नींद को तकलीफ देह बना देती हैं। इसीलिए हम प्रॉपर स्लीप के कुछ सुंदर टिप्स जो हमने कल सुने थे, उसे और भी आज आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारी नींद बहुत सुकून भरी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि नींद अच्छी नहीं है तो तन पर, मन पर, पूरी दिनचर्या पर उसका असर आता है, हम चिड़चिड़े से बने रहते हैं। इसीलिए साउंड स्लीप का होना, प्रॉपर स्लीप का होना बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं। नींद, स्लीप आज के समाज में बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 20% लोगों को प्रॉपर नींद आती ही नहीं है। कुछ लोगों को गोलियां खा के सोना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सारा दिन हम एक बार गुस्सा कर लेते हैं या चिंता करते हैं या जल्दीबाजी, इरिटेट होते हैं, उसका असर लंबा समय हमारे मन पर रहता है। हमारी ईईजी, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़ जाती है। वो कई बार बीटा के बजाय बीटा प्लस और सुपर बीटा में पहुंच जाती है। फ्रीक्वेंसी 30, 35, 40 तक भी पहुँच सकती है और हमें जाना होता है 10 के नीचे या इवन डीप स्लीप में 4 के नीचे जाना होता है। तो अगर जैसे हम लेटर लिखते हैं, तो लेटर लिखने से डेफिनेटली हमारे लेटर लिखते लिखते हमने DRDs और रिसर्च करके देखा था और उसमें स्लीप स्टडीज़ करके देखा, तो लेटर लिखने से ही हमारी फ्रीक्वेंसी 30, 35 से एकदम 10 के नीचे आ जाती है। और अगर हम मेडिटेशन करके सोते हैं, हमने उसमें रिसर्च में पाया कि हम अगर मेडिटेशन करके सोते हैं तो पहले 10 से 12, 2 घंटे जो नींद है उसमें लगभग 110 मिनट हम डीप स्लीप को एंजॉय कर सकते हैं और 10 मिनट सपने वाली नींद, जिसे हम REM स्लीप कहते हैं और NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो REM स्लीप सपने वाली होती है और NREM दूसरी स्लीप होती है। और 12 से 2 में अगर हम सोते हैं, जब सोते हैं तो उसमें हमारी लगभग 90 मिनट हमारी जो है गहरी नींद हो जाती है और 30 मिनट सपने वाली नींद होती है। और 2 से 4 के बीच में अगर हम जब हम सोते हैं तो उसमें 70 मिनट गहरी नींद होती है और 50 मिनट सपने वाली नींद होती है। तो 4 बजे के बाद फिर हम सोते हैं तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है और टेरर ड्रीम्स ज़्यादा, ड्रामने सीन, ड्रामने और विकारों के सपने ज़्यादा आते हैं। 90 मिनट सपने वाली नींद आती है और 30 मिनट ही गहरी नींद आती है और वो हमें सपने याद रहते हैं। तो याद रखें 10 बजे के पहले 9:30 बजे तैयार हो जाएं, टेलीविज़न 9 बजे ऑफ कर दें और फिर उसके बाद आप लेटर लिखें और फिर परमात्मा को याद करके सो जाएंगे, तो आपकी 6 घंटे नींद आपको काफ़ी रहेगी और आप सुबह एकदम तरोताज़ा 4 बजे उठेंगे और फिर मेडिटेशन का अभ्यास, अपने आप ही आपका मेडिटेशन लग जाएगा और आप सारा दिन, आपके सारे हार्मोन्स, सारे आनंद वाले हार्मोन्स, 18 हार्मोन्स पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड से निकलेंगे और अगले 24 घंटे में जो भी आपके मन तन की बीमारियां होंगी कम हो जाएंगी।
ओम शांति। तो अच्छे नींद के सुंदर सूत्रों के साथ आइए अब चलते हैं एक ऐसे प्राकृतिक दृश्यों से भरे हुए प्रदेश की ओर, स्पिरिचुअल इंडिया में, जिसे सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ों की भूमि है और सेवन सिस्टर्स में से एक सबसे ज़्यादा खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए प्रदेश है। जी हाँ, मैं मिजोरम की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम का अर्थ है मिजो की भूमि। मिजोरम की लगभग 90% आबादी विविध जनजातीय मूल से आती है। मिजोरम को नीले पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य है। यह राज्य अपनी नागरिक भावना, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की राजधानी आइजोल भारत का एक लौता शहर है जो वाहनों के हॉर्न की आवाज से पूरी तरह मुक्त हो गया है। वहीं यहाँ का बाइट टाउन उत्तर पूर्व एशिया का सबसे स्वच्छ शहर है। चापचारकुट मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार है। मिजोरम के कुछ लोकप्रिय स्थान हैं रेक पीक, डर्टलैंग हिल्स, वॉन्तवांग फॉल्स और तामदिल झील। वहीं सोलेमोन मंदिर मिजोरम का सबसे बड़ा चर्च है। इस मंदिर का निर्माण राजा सोलेमोन ने करवाया था। वहीं तिनसुकिया की बीके सत्यवती दीदी द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानव को देव बनाने की सेवा मिजोरम में सन 1996 में शुरू की गई। वर्तमान समय जोन इंचार्ज बीके रजनी दीदी के सानिध्य में ऐजोल में बीके नर्मदा और कोलासिब में बीके मंजू दीदी संस्था का कार्य संभाल रही हैं। वहीं खास तौर पर क्रिसमस के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था मानव को एंजल बनाने का मार्गदर्शन देता है। मित्रों, जीवन में आना भाग्य की बात है, जीवन से चले जाना समय की बात है, लेकिन जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये श्रेष्ठ कर्मों की बात है। आज की महकती यादों में हम एक ऐसी ही महान विभूति को याद कर रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के आधार मूर्त थे, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय को एक नई बुलंदी प्रदान की, इनकी सेवाओं को दिग दिगंत तक फैलाया, साथ ही अपने श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आइए महकती यादों में हम उनके सुंदर जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश भाई जी की। विशाल आध्यात्मिक यज्ञ के आधार स्तंभ त्रिमूर्ति रत्न विशेष आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। साकार मात पिता की पालना को अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने साकार किया। आप अनेक प्रकार की सेवाओं के निर्माता बन अपने आदर्शमय जीवन से यज्ञ रक्षक बने। बॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के ट्रस्टी, ऐसे अनेक पदों पर रहकर आपने सफल निर्देशन किया। देश विदेश में अनेक सेवा केंद्रों के आप जन्मदाता बने। आपने सेवाओं को विहंगम रूप प्रदान किया। ऐसी अनेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे हमारे अति आदरणीय रमेश भाई जी अपनी विशेष सेवाओं के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। सचमुच अच्छे लोग दिलों में इस तरह बस जाते हैं कि जाने के बाद भी हमेशा याद आते रहते हैं। भ्राता जी का जीवन हम सब के लिए कितना प्रेरक, कितना सुखदायी, कितना कल्याणकारी। क्यों ना हम भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करें, उन कर्मों को, उन बातों को, और
उनके लिए किए गए सुंदर श्रेष्ठ सहयोगी कर्तव्यों को। सचमुच यही चीज़ें तो यादगार रह जाती हैं ना, क्यों ना ऐसा ही सुंदर कर्तव्य हम भी करें। और यही कर्तव्य ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं कि जीवन में रहते हुए किस प्रकार जीवन को जिएं, ताकि जीवन में रहते हुए भी और जीवन से जाने के बाद भी हम अमरत्व को प्राप्त कर लें। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी किस प्रकार कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य परिसर में आज बड़े ही धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्र ध्वज लहराते हुए स्वर्णिम भारत का आह्वान किया। साथ ही संस्था के जनरल सेक्रेटरी राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई साहब ने भी देश के प्रति अपने दायित्वों की स्मृति दिलाई। आजादी की जो खुशी है उसका सेवन करते करते आज दिन तक पहुंचे हैं, और फिर इसके साथ में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना भारत। संस्था के ज्ञान सरोवर प्रांगण में भी राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी तथा राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी ने ध्वजारोहण करते हुए वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने का संकल्प दोहराया। शिव पिता परमात्मा राम राज्य लाकर ही छोड़ेंगे जिसको स्वर्ग कहो। ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा एक शाम देश के नाम नामक एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किया गया, जिसमें विख्यात लेखक मनोज मुंतशिर, गायक हरीश मोयल के साथ ही देश भर के बच्चों और युवकों ने कार्यक्रम को संयोजित कर पेश किया। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। क्या है जिसने सबको सदा दिया है, जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। भारत के इस एक तारे पे गूंजे सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान। मित्रों, सचमुच ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, क्यों ना इस छोटी सी जिंदगी को हम यादगार बना लें। जो हमसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उन्हें हम धन्यवाद करते चलें, और जो हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दें, और ये अपने लिए दृढ़ संकल्प रखें कि हम तो सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार ही करेंगे। जिनसे भी हम मिलें वो ताउम्र हमें याद करें, कुछ ऐसा हम उन्हें देकर, कुछ ऐसा सिखाकर आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा ही सुंदर जीवन आपका हो, सब रंग की यही सुंदर शुभकामना आपके लिए है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इसी वक्त पुनः सुंदर बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।